Hello, dear students. So let's discuss some more question regarding your ICMR exam. So हम इसमें previous year का questions जो हैं उनको discuss करेंगे detail manner में. So the first question for today's lesson is the study of nest of bird is known as. ICMR के अंदर पूछा जाता है, section A के अंदर generally पूछा जाता है the different different branch of जो भी आपकी बायोलॉजी की जूलॉजी की इनकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में आपसे पूछा जाता है. सो मेक श्योर कि आपको कुछ कॉमन जो एग्जाम्स में आती हैं उनके बारे में पता हो कि कौन सी ब्रांच किसकी स्टडी करती है. ठीक है. सो द स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड इज नोन एज. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बर्ड है उनके नेस्ट की स्टडी की कौन सी ब्रांच है जो उनके नेस्ट की स्टडी करती है. सो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बर्ड की बात कर रहे हैं. So, आप यहां से वो ब्रांच सिलेक्ट करना जो कि किसका पार्ट हो, जूलॉजी का पार्ट हो. रीजन इज क्योंकि जूलॉजी के अंदर ही हमारे रेप्टिलियंस आते हैं, हमारे एव्स आते हैं, मैमल्स आते हैं, राइट. और बर्ड जो होते हैं दीज आर एव्स, हमारे एव्स होते हैं. और इसलिए जो भी ब्रांच यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे वो आपकी जूलॉजी की सब ब्रांच होगी. ठीक है. सो सबसे पहला ऑप्शन जो है क्रेनियोलॉजी. देखिए क्रेनियोलॉजी, लॉजी का मतलब तो आप सभी को पता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी. क्रेनियो इज इक्वल टू क्रेनियम. और क्रेनियम क्या है, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है एक बहुत ही सेंसिटिव हम लोग कह सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन की बॉडी का जो कमांडिंग सेंटर होता है वो होता है उसका ब्रेन. इसलिए ब्रेन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं क्रेनियम. बहुत ही हार्ड, बहुत ही टफ कवरिंग होती है और उन्हीं क्रेनियम की स्टडी को हम लोग कहते हैं क्रेनियोलॉजी. ठीक है. नाइटोलॉजी, नाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड. ये आपका जूलॉजी का एक सब ब्रांच होता है और इसमें हम लोग स्पेसिफिकली जो बर्ड्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेस्ट को, उनकी फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से अलग अलग स्पीसीज के जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग तरीके के नेस्ट की फॉर्मेशन करते हैं. एग्जाम्पल के लिए जो इंडियन रॉबिन है वो आपका कहाँ पे अपना नेस्ट बनाता है, जो रॉड साइड एरिया होता है उधर स्टोन के अंदर वो अपना नेस्ट बनाता है. एग्जाम्पल के लिए जो क्रो है वो आपका कटीली झाड़ियों के अंदर नेस्ट बनाता है. सो नाइटोलॉजी जूलॉजी की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है कि अलग अलग स्पीसीज के जो बर्ड्स होते हैं वो किस तरीके के नेस्ट की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. नाइटोलॉजी को समटाइम यहाँ पे कैलियोलॉजी भी कहा जाता है, बिकॉज कैलियोलॉजी का मतलब भी होता है द स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड. ये आपकी जूलॉजी की कुछ सब ब्रांच होती हैं और ये अगेन जूलॉजी के अंदर भी कुछ और हमारी ब्रांच होती है जिसमें आता है एक ब्रांच जिसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी, ठीक है. ऑर्निथोलॉजी वो ब्रांच होती है जो स्टडी करती है किसके बारे में, बर्ड्स के बारे में, उनके बारे में नॉलेज कलेक्ट करना, उनकी रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपकी ऑर्निथोलॉजी में आती है. सो अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया होता स्टडी ऑफ बर्ड्स, नेस्ट ना पूछ के आपसे स्टडी ऑफ बर्ड पूछा गया होता तो आप ऑर्निथोलॉजी को सिलेक्ट करते. लेकिन जब आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए कि हमें नेस्ट की ही स्टडी करनी है तो ऑर्निथोलॉजी की जो नाइटोलॉजी ब्रांच होती है, नाइटोलॉजी कहें या उसको हम लोग कैलियोलॉजी कह सकते हैं, इनके अंदर स्पेसिफिकली नेस्ट की स्टडी की जाती है. इकाइनोलॉजी, इकाइनोलॉजी कौन सी ब्रांच होती है. देखो इकाइनोलॉजी के अंदर हम लोग जो फॉसिल्स होते हैं उनकी फुटप्रिंट्स को स्टडी करते हैं. एज यू कैन सी इन दिस इमेज के एंसेस्टर्स जो थे हमारे, मतलब कुछ एक आपके लिविंग फॉसिल्स भी आपको मिलते हैं जब आप स्टडी करते हो. पैलेंटोलॉजी हमारी मेन ब्रांच होती है जिसमें हम फॉसिल रिकॉर्ड को स्टडी करते हैं. तो यहां से आप ये चीज भी याद रखोगे पैलेंटोलॉजी. ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, आई होप यू डोंट माइंड दैट, राइट. सो पैलेंटोलॉजी हमारी होती है जिसके अंदर हम लोग फॉसिल्स को स्टडी करते हैं और पैलेंटोलॉजी की ही एक सब ब्रांच होती है इकाइनोलॉजी, जिसमें स्पेसिफिकली जो हमारे फॉसिल्स हैं उनके फुटप्रिंट्स को स्टडी किया जाता है. ठीक है. माइमिकोलॉजी क्या होती है, माइमिकोलॉजी वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग जो एंट से रिलेटेड होती है, इसमें हम एंट से रिलेटेड स्टडी कंडक्ट करते हैं. ठीक है. अगेन जूलॉजी की एक सब ब्रांच होती है जिसमें हम स्पेसिफिकली एंट्स की बात करते हैं और वो होती है हमारी माइमिकोलॉजी.
राइट सो आई होप इससे आपके देखिए कितनी ब्रांचेस क्लियर हुई, क्रेनियोलॉजी जिसमें आप क्रेनियम की स्टडी करते हो, नाइडोलॉजी या कैलियोलॉजी जिसमें हम लोग बर्ड की नेस्ट की स्टडी करते हैं, और कलेक्टिवली अगर बर्ड के बारे में पूछा जाए तो आप ऑर्निथोलॉजी स्टडी करोगे, सिलेक्ट करोगे। इकाइनोलॉजी पैलेंटोलॉजी का पार्ट होता है जिसमें हम लोग फॉसिल रिकॉर्ड्स के जो फुटप्रिंट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। मार्मिकोलॉजी हमारा एंटोलॉजी का एक पार्ट होता है, एंटमोलॉजी का, ठीक है, किसका पार्ट, एंटमोलॉजी का एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग एंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है इट इज ऑप्शन नंबर 2। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल कॉफिशियंट इंडिकेट, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, आईसीएमआर में पूछा गया है, डीबीटी में भी पूछा गया है और ये सीएसआईआर में भी पूछा गया है। फिनोल कॉफिशियंट क्या होता है, देखिए फिनोल आप सभी को पता है, फिनोल का फॉर्मूला होता है C6H6O, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड सिंपल अगर आप जनरल वे में कहें तो वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। सो फिनॉल हमारा एंसेस्टर टाइम से, हम लोग हमारे मतलब अर्ली टाइम से ही फिनॉल को एक डिसइंफेक्टेंट की तरह हमारे जो एंसेस्टर है वो यूज करते आए हैं। एक स्टैंडर्ड जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है दैट इज फिनॉल। इसलिए जब भी आपका कोई भी केमिकली इंडस्ट्रियली कोई नया डिसइंफेक्टेंट बनता है तो उसको फिनॉल के साथ कंपेयर किया जाता है। अब बात ये आती है कि जो ऑलरेडी हमारे पास पुराने टाइम से ही एक डिसइंफेक्टेंट अवेलेबल था दैट इज द फिनोल, तो हमें नए आपके डिसइंफेक्टेंट की जरूरत क्यों होती है। तो देखिए फिनोल जो होता है उसके आपकी बॉडी के ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ये हमारी स्किन को इफेक्ट करता है, हमारी स्किन को डैमेज करता है। दूसरी चीज क्या होती है कि फिनॉल का अमाउंट वैरी करता है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए। एग्जाम्पल के लिए इसका सिर्फ 1% अमाउंट अगर आप डालते हो तो ये आपको मतलब आपके माइक्रोब्स को डिग्रेड कर देता है, माइक्रोब्स को उनको ग्रोथ नहीं करने देता, लेकिन अगर आप इसका हायर कंसेंट्रेशन करोगे तो ये आपकी खुद की बॉडी को भी हार्म करता है। इसलिए जब नए नए डिसइंफेक्टेंट की आपकी खोज करी जाती है तो हम उसे फिनोल से कंपेयर करते हैं कि अगर वो डिसइंफेक्टेंट जो नया बनाया गया है वो अगर फिनोल से बेटर है तो हम लोग उसे यूज करेंगे, और अगर वो कम है तो कितना वो मतलब लेस आपकी पावर दिखा रहा है वो डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्शन की, ठीक है। तो इसलिए फिनोल कॉफिशियंट एक टर्म यूज किया जाता है जिसमें फिनॉल के साथ रिस्पेक्टिव डिसइंफेक्टेंट को चेक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि वो कितना डिसइंफेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। सो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि फिनॉल कॉफिशियंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नंबर होता है, और अगर आप इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं देन वी कैन राइट फिनॉल कॉफिशियंट इज इक्वल टू dilution of disinfection disinfectant upon में dilution of phenol। मतलब क्या कि सिंपली हम लोग कंपेयर करते हैं कि जो भी हमारा टारगेट डिसइंफेक्टेंट है वो किस अमाउंट में माइक्रोब्स को बैक्टीरिया को अफेक्ट कर रहा है, आदर इट इज बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक, है ना, उस चीज को हम लोग कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी फिनॉल। फिनॉल के कंपैरिजन में हम लोग चेक करते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं फिनॉल कॉफिशियंट, ठीक है। सो इट इज द नंबर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द डिग्री ऑफ डायल्यूशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट बाय द डिग्री ऑफ डायल्यूशन ऑफ फिनॉल, राइट। सो इसके लिए आप ऐसे सुपोज कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास एक टारगेट डिसइंफेक्टेंट है और दूसरी तरफ हमारे पास है फिनॉल, तो हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आपने कितने अमाउंट में उसके अंदर आपका फिनॉल ऐड किया है। एग्जाम्पल के लिए कि हमने 1% फिनॉल लिया है, 100 मतलब 100 पार्ट्स में हमने क्या लिया है, फिनॉल लिया है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप आपके सॉल्वेंट के अंदर 1% क्या फिनॉल ऐड करते हो तो वो माइक्रोब्स को किल कर रहा है, ठीक है, सिंपली आप इतना समझिए। दूसरी तरफ हमने जो टारगेट डिसइंफेक्टेंट है उसको हमने लिया 1/500 पार्ट्स में, तो आप यहां से कैसे कंपेयर करोगे कि डाइल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट जो हमारा टारगेट डिसइंफेक्टेंट है उसका डाइल्यूशन कितना है 500, और जो फिनॉल है उसका डाइल्यूशन कितना है 100।
सो यहाँ पे हमारा जो फिनॉल कॉफिशियंट आ जाता है इट इज इक्वल टू 5। अब 5 का मतलब यहाँ से क्या होता है, देखिए अगर आपका फिनॉल कॉफिशियंट का नंबर ग्रेटर देन 1 आता है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है वो पावरफुल है मोर देन फिनॉल, फिनॉल के कंपैरिजन में वो ज्यादा पावरफुल है। और अगर यही हमारा लेस देन 1 आ जाता है, ठीक है, मोर देन 1 आता है तो वो ज्यादा पावरफुल है, और अगर लेस देन 1 आता है इसका मतलब है कि जो गिवन डाइल्यूशन है वो फिनॉल से हमारा लेस बेटर है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग हमारे टारगेट डिसइंफेक्टेंट को फिनॉल के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इवन डीबीटी के अंदर फिनॉल कॉफिशियंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको डिसइंफेक्टेंट का डायल्यूशन दे दिया जाता है और फिनॉल का आपको डायल्यूशन दे दिया जाता है, जिससे आपको सीधे के सीधे इस फॉर्मूले को रख के फिनॉल कॉफिशियंट को कैलकुलेट करना होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा एफिशियंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट, बिकॉज फिनॉल कॉफिशियंट से हम किसी भी डिसइंफेक्टेंट की एफिशिएंसी को चेक करते हैं कि वो कितना एफिशिएंट है, वो माइक्रोब्स को किल कर रहा है या नहीं, वो बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक है। अब देखिए मैंने जो टर्म यूज करी है बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ डिसइंफेक्टेंट ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को किल करे, किलिंग द बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स करना, तो यहां पे क्या स्टार्ट करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो जो डिसइंफेक्टेंट आपके लेस पावरफुल होते हैं वो आपके बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो करते हैं, और जो हाईली पावरफुल होते हैं वो साइडल इफेक्ट शो करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज बैक्टीरिया भी एक आपकी रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कहते हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट हुई बैक्टीरिया का एक फॉर्म होता है, जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द डिसइंफेक्टेंट आपके लेस इफेक्टिव होते हैं, वो काम नहीं करते। सो जितना ज्यादा पावरफुल डिसइंफेक्टेंट होगा उतनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी कि वो माइक्रोब्स को रिमूव कर सकता है, इवन वो पैथोजन के ऊपर भी काम करेगा, एंडोस्पोर के ऊपर भी काम करेगा। अगर लेस एफिशिएंट होगा तो वो सिर्फ बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट ही शो करेगा, यानी कि समहाउ कुछ एक्सटेंट तक सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही कंट्रोल करेगा, उसे किल नहीं करेगा। इसलिए किसी भी डिसइंफेक्टेंट की एफिशिएंसी को चेक करना जरूरी हो जाता है, और उस एफिशिएंसी को हम लोग चेक करते हैं फिनॉल कोएफिशिएंट की हेल्प से, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम बायोइनफॉर्मेटिक्स, एक्चुअली ये बायोफिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है सीक्वेंसिंग डेप्थ इज ऑल्सो नोन बाय अनदर टर्म, आपको एक टर्म दी गई है सीक्वेंसिंग डेप्थ, और आपसे पूछा गया है इसका मतलब क्या है, इसको हम दूसरे वर्ड में कैसे जान सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें तुक्का भी नहीं लगा सकते। रीजन इज, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सीक्वेंसिंग डेप्थ क्या होता है, सीक्वेंसिंग डेप्थ टर्म को समझिए, आधा मतलब क्लियर हो जाएगा। सीक्वेंसिंग डेप्थ का मतलब हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं सीक्वेंस के साथ, ठीक है। और सीक्वेंस कहाँ पे आती है, जब हम बायोइनफॉर्मेटिक्स की बात करते हैं, उसके टेक्निक्स की बात करते हैं। तो आजकल हमारा जो इमर्जिंग टॉपिक है दैट इज द एनजीएस, ठीक है। एनजीएस आपको पता है, जिसके अंदर हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है जिनसे हम सीक्वेंसिंग करते हैं। क्यों सीक्वेंसिंग करते हैं, बिकॉज देखिए अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम की सीक्वेंस पता है, हमें उसकी जीन्स के बारे में पता है, तो हम उसे टारगेट जीन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से टारगेट जीन के वो आपका पैथोजन। अगर हम किसी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो अगर हमारे उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के बारे में उसकी सीक्वेंस आपके पास है, तो आप उस सीक्वेंस में से उन जीन को सिलेक्ट कर सकते हो जो डिजीज कॉजिंग जीन्स होते हैं। इवन आपका जो एनजीएस है, इसके टेक्नोलॉजी को बहुत सारे एरिया के अंदर हम लोग यूज करते हैं। इतना ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, हम बस इतना समझते हैं कि एनजीएस के अंदर हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं, बहुत सारी सीक्वेंसिंग परफॉर्म करते हैं, अलग अलग हमारे पास मेथड होते हैं। तो देखिए जब हम लोग सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं, जब हमें किसी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम उसे पहले सीक्वेंस को छोटे छोटे पार्ट के अंदर उसको फ्रेगमेंटाइजेशन कर लेते हैं, उसको फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसे रन करते हैं, उसके सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रीड, ठीक है। समटाइम क्या होता है, ये अगर हमारे पास डीएनए सेगमेंट है,
इसका हम लोग फ्रेगमेंट इसकी कर लेते हैं, ठीक है। कोई हमारे एक्सोन्यूक्लियेसेस या एंडोन्यूक्लियेसेस को यूज करके हमने इसको फ्रेगमेंटाइज कर लिया। फ्रेगमेंट करने के बाद हमारे पास ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट आ जाते हैं डीएनए के। इन छोटे छोटे सेगमेंट की हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं। सीक्वेंसिंग के टाइम पे समटाइम क्या होता है कि जैसे कि जब आपने इसका फ्रेगमेंटेशन किया तो कुछ फ्रेगमेंट ऐसे भी बने, ठीक है, कुछ फ्रेगमेंट ऐसे भी बने। जरूरी तो है नहीं, आपको तो पता नहीं है कि सीक्वेंसिंग के अंदर फ्रेगमेंट कहाँ कहाँ पे हुआ है, किस एंड के ऊपर हुआ है और कौन सा एंड किस पे जुड़ेगा, नहीं मालूम ना। तो आपका जब फ्रेगमेंटेशन होता है, कुछ फ्रेगमेंट आपके ऐसे बन जाते हैं, कुछ फ्रेगमेंट आपके ऐसे बन जाते हैं, तो हम सिंपली उन फ्रेगमेंट का सीक्वेंसिंग करते हैं। सीक्वेंसिंग करने के बाद इन सीक्वेंसिंग के फ्रेगमेंट्स को बोला जाता है रीड। जब हम इनकी सीक्वेंसिंग करते हैं, जैसे ये देखिए, ये सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट्स है, तो आप देखते हो कि कुछ रीजन ऐसा भी होता है जो ओवरलैप करता है, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब कि यही इस सेगमेंट के अंदर ये सीक्वेंस यहाँ पे भी है, इस सेगमेंट में ये सीक्वेंस यहाँ भी है, यानी कि इसकी डबलिंग हो गई। इसे हम कहते हैं रेड्यूडेंसी, राइट, ठीक है। तो हम लोग जब किसी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं एनजीओस की किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करके, तो उस टाइम पे हमारे पास रेडुडेंसी को कम करने के लिए, रेडुडेंसी का हम लोग एक टर्म में ये भी कह सकते हैं कि डेटा का डुप्लीकेशन होना, ठीक है। तो डेटा डुप्लीकेशन को कम करने के लिए और एक्यूरेसी ज्यादा लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग डेप्थ, सीक्वेंसिंग डेप्थ करते हैं। सीक्वेंसिंग डेप्थ मतलब डीप सीक्वेंसिंग की जाती है कि मैक्सिमम कवरेज किया जाए उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का, ठीक है। मतलब ये, अब आप सोचिए, हमारे पास कोई सीक्वेंस है, हमने उसको फ्रेगमेंट किया, फ्रेगमेंट बनाए, हमने उसकी सीक्वेंसिंग के लिए उसको डाल दिया, सीक्वेंसिंग करने के लिए हमने उसके फ्रेगमेंट्स को डाल दिया, हमारे पास सीक्वेंस मिल रही है। लेकिन क्या गारंटी है कि जो सीक्वेंस हमें मिली है, जो डेटा हमें मिला है, वो एक्यूरेट है? जितनी बार हम लोग सीक्वेंस को क्या करते हैं, उसका सीक्वेंसिंग करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उतनी ज्यादा एक्यूरेट डेटा हमें मिलता है। तो कवरेज का सिंपली मीन ये होता है कि हमने कितनी बार हमने उस रीड को हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। सो कवरेज इज इक्वल टू डीप सीक्वेंसिंग, यानी कि सीक्वेंसिंग डेप्थ इज इक्वल टू कवरेज। इसको नाम मतलब कवरेज से जाना जाता है कि उस सीक्वेंस को हमने कितना कवर किया है, कितनी एक्यूरेट डेटा हमें उससे मिलनी है। अगर डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज द नंबर ऑफ यूनिक रीड दैट इंक्लूड अ गिवन न्यूक्लियोटाइड इन द रिकंस्ट्रक्टेड सीक्वेंस। आई कैन राइट इट हियर, सीक्वेंसिंग डेप्थ और डीप सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ यूनिक रीड्स दैट इंक्लूड अ गिवन न्यूक्लियोटाइड इन द रिकंस्ट्रक्टेड मैनर, राइट, ठीक है। सिंपली मतलब डीप सीक्वेंसिंग का इतना ही होता है कि हमने जो रिकंस्ट्रक्ट की है सीक्वेंस, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारे, नंबर ऑफ यूनिक रीड्स दैट इंक्लूड अ गिवन न्यूक्लियोटाइड इन द रिकंस्ट्रक्टेड मैनर, क्लियर। अब इसको एक कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है कि जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो सिंपली हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, रेड्यूडेंसी कैलकुलेट करते हैं कि कितने हमारे रीड्स के अंदर रेड्यूडेंसी आई है। तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एन इंटू एल अपॉन में जी। जी का मतलब है जीनोम, जो भी आपका डिजायर्ड सेगमेंट है। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल से समझें, चलिए मैं पहले आपको बता देती हूँ। जी इज इक्वल टू जीनोम, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रीड्स, कितने नंबर ऑफ रीड्स आपने लिए हैं, यानी कितने सेगमेंट आपके पास है, और एल का मतलब होता है लेंथ। किसकी लेंथ? एवरेज लेंथ ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कि उस रीड के अंदर कितनी एवरेज लेंथ है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है। सो इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपसे क्वेश्चन के अंदर जीनोम का सीक्वेंस दिया होगा कि भी उसके अंदर इतने नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट है, आपसे नंबर ऑफ रीड्स दी हुई होगी, आपसे पूछा जाएगा कि उसका कवरेज कितना आएगा, उसके अंदर रेडुडेंसी कितनी आएगी।
तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंपली आपको फॉर्मूला के अंदर रखना है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो जीनोम है इट इज 5000 बेस पेयर का, ठीक है? 5000 बेस पेयर का आपके पास एक जीनोम है, और उसके अंदर, एक सेकेंड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं आपके? हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 8, और लेंथ लेंथ हम लोग ले लेते हैं जो हमारा सेगमेंट है न्यूक्लियोटाइड की, उसके अंदर लेंथ हमारी 500। सो आप सिंपली इसे फॉर्मूले में रखोगे, एन एन कितना है 8, एल कितना है 500, और हमारा जी कितना है 5000, ठीक है? सो यहाँ से आप कट कर सकते हो। लेट टेक इट ये, ताकि आपका पूरा कट हो जाए, हम इसे 2000 ले लेते हैं, राइट? सो ये आपका कट हुआ, ये हुआ आपका 2, ठीक है? यानी कि जो रेडुडेंसी आएगी इट इज 2x, रेडुडेंसी इज इक्वल टू 2x। तो आप इस ग्राफ में देख रहे हो डेप्थ ऑफ कवरेज के कितना हमने कवरेज किया है, 1x, यानी कि रीड के अंदर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो 1x है, 2x है, 3x है, और ये कैसे कैलकुलेट करी हमने? इस फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करी, ठीक है? सो जितना ज्यादा यहाँ पे डेप्थ ऑफ कवरेज होगा उतना ही एक्यूरेट आपको डेटा मिलता है। इसीलिए जब एनजीएस के अंदर आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक शॉटगन सीक्वेंसिंग ही अगर हम बात करें, तो शॉटगन सीक्वेंसिंग के अंदर ये प्रेफर किया जाता है जितना हाई कवरेज होगा उतनी ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे, उतना ही कम हमें एरर मिलेगा। इसीलिए जब भी आपकी सीक्वेंसिंग परफॉर्म की जाती है तो उसमें कवरेज आपकी कितनी होती है, 7x, का मतलब समझ जाना कि डेटा जो है वो बहुत ज्यादा आपका एक्यूरेट है, ठीक है? सो दिस इज द कवरेज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द सीक्वेंसिंग डेप्थ, व्हाट इज कवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टैक्सोनॉमी यूजिंग 16S rRNA वाज डिफाइंड बाय, किसने डिफाइन किया था? सो ये तो एक आपका स्टैटिक क्वेश्चन है कि यस हमारे कार्ल वोस थे जिन्होंने डिफाइन किया था 16S rRNA सीक्वेंसिंग को। अब यहाँ से मैं आपको कुछ और इसका डिटेल बता देती हूँ। 16S rRNA हमारा एक, हम लोग बोल सकते हैं, क्राइटेरिया है जो यूज किया जाता है, जो हमारे टेक्सोनॉमिकल्स क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो साइंटिस्ट आपके टेक्सोनॉमिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं वो 16S rRNA को यूज करते हैं। 16S rRNA की सिंपली क्या है, आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल, ठीक है? आरआरएनए आपको सभी को पता है राइबोसोमल सेगमेंट होता है ये हमारा। देखिए जब आप किसी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोग उसके अंदर उसकी इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड को ट्रेस आउट करते हैं। ये इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड का ट्रेस आउट आप चाहे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप निकाल के ट्रेस आउट कीजिए, चाहे आप किसी और बेसिस को यूज कीजिए। तो देखिए जब आपके साइंटिस्ट 16S आरएनए को यूज करते हैं तो उनका मेन पर्पस ये होता है कि हमारा जो डीएनए या हमारा जेनेटिक मटेरियल अगर हम कहें उसके अंदर टाइम पीरियड के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है? म्यूटेशन आती रहती है या कुछ और भी इवोल्यूशनरी चेंजेस आने के रीजंस होते हैं, ठीक है? इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए के सीक्वेंस के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, और इन चेंजेस की वजह से क्या होता है कि उस जेनेटिक मटेरियल के बेस बना के और फिर इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड को स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सीक्वेंस तो ऑलरेडी चेंज हो रही है। सो हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो आपकी इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड के हिसाब से उसके ऊपर इम्पैक्ट कम हो, उसके अंदर चेंजेस कम हुए हो। 16S rRNA ये वही सीक्वेंस होती है जो कंजर्व्ड होती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, इनके ऊपर टाइम पीरियड का बहुत कम इफेक्ट होता है, इनके अंदर बहुत कम चेंजेस होते हैं। इन शॉर्ट कहें तो हमारे एंसेस्टर के पास जो 16S आरआरएनए की सीक्वेंस प्रेजेंट थी, समहाउ वही हमारे पास प्रेजेंट है, उसके अंदर अगर चेंजेस हुए भी हैं तो बहुत कम चेंजेस हुए हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाली कुछ कंजर्व सीक्वेंस होती है, ठीक है? सो जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं,
उनको स्टडी करने के लिए एज अ बेस यूज करते हैं 16 एस आरआरएनए सीक्वेंसिंग को, ताकि उनका जो सीक्वेंस है उसको फाइंड आउट किया जा सके, उनका इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड फाइंड आउट किया जा सके. ठीक है, सो 16 एस आरआरएनए इसलिए आपके लिए यूजफुल हो जाता है बिकॉज ये कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है, इनके अंदर टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत कम चेंजेस हुए होते हैं, जिसको सबसे पहली बार डिफाइन किया था कार्ल वूस ने, या कहें कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहली बार यूज किसने किया था, कार्ल वूस ने. और मेनली इसका माइक्रोब्स के क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है. यू कैन सी इन दिस इमेज कि ऑन द बेसिस ऑफ 16 एस आरआरएनए सीक्वेंसिंग आपके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है तीन डोमेन के अंदर. फर्स्ट वन इज यूकैरियोट, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट के अंदर, और जिसमें आपका बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं. इसको यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्किया को क्यों बैक्टीरिया के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखा गया है. रीजन इज कि आर्किया के जब 16 एस आरआरएनए को, एक सेकेंड, 16 एस आरआरएनए सीक्वेंस को एनालाइज किया गया तो वो आपके बैक्टीरिया के सीक्वेंस के साथ सिमिलैरिटी ज्यादा शो करता है एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स. ठीक है, सो इसीलिए 16 एस आरआरएनए को एक बेस की तरह यूज किया जाता है जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, उनका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टडी करने में भी, या भी हम के इवोल्यूशनरी ट्री की फॉर्मेशन करने में भी आपके 16 एस आरआरएनए सीक्वेंसिंग मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा. हालांकि मैं क्वेश्चन बहुत कम कवर करती हूँ, लेकिन उन क्वेश्चन के साथ हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं तो उसके साथ कई कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाते हैं. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो.